सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम दोबारा से खेलने जाने हैं फ्री फायर अपनी वही पुरानी आईडी में, जिसमें पिछली बार मैंने नूब रैंक किया था और बाद में हारते हारते बचे थे हम। बाकी वीडियो देख लेना अगर नहीं देखी, काफ़ी मज़ेदार है। और आज हम करने लगे वन बाई वन अपने दोस्त के साथ। और हमारे यहाँ ऐसा होता है कि आखिरी दो राउंड्स में हम नूब बन जाते हैं। बाकी ये उसकी आईडी है, 21 है, 74 लेवल है, 74 लाइक्स एंड 21 लेवल है। बाकी बंदा ठीक ठाक ही खेलता है। और ये आज यार थोड़े कपड़े चेंज कर लेते हैं, बल्कि रहने दो यार, कपड़े क्या चेंज करना, हमने तो गेम प्ले इंक्रीज करना है, बल्कि कर ही लेते हैं यार, पेंट चेंज कर लेते हैं, हाँ ये वाली। चलो स्टार्ट करते हैं अपना कस्टम बनाना। फिर क्रिएट करो, पासवर्ड डाल दो। ओ पासवर्ड तो डिजिट्स, वो लेटर्स होते हैं ना, 1 2 3 1 2 ब्ला 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 ब्ला, कुछ भी डाल दो यार। गेम हम डाल देंगे 13 राउंड्स आने तो चाह रही हैं मुझे लगता है। ठीक है, अनलिमिटेड ग्लूवल कर देते हैं, वो भी कर दिया। ऑब्जर्व पे जाते हैं। अब इधर हमने सारे राउंड्स में पैसे सारे करने हैं, बहुत सारे कर दिए। यहाँ पे भी काम हो चुका है। बाकी कंफर्मेशन कर देते हैं और बंदा बुलाते हैं यार अपना। उसका नाम वैसे एजन है, नाम मैंने रिवील कर दिया आईडी का, नाम में फ्री फायर आईडी में उसका नाम है एजियन, नाम देख लो आप। बाकी बंदा काफ़ी अच्छा खेलता है। ओ भाई हमारे पीछे पीछे आ रहा था, हम दूसरे स्लॉट में जा रहे थे हमारे साथ। चलो अपना मैच स्टार्ट हो गया। और हूँ तो मैं ओपोनेंट से थोड़ा, मतलब ज़्यादा थोड़ा बहुत प्रो हूँ, बट हम इसको ज़रा और अपने ओपोनेंट को ज़रा दिखाने के लिए कि ये काफ़ी प्रो है, फील कराने के लिए, अच्छा फील कराने के लिए, थर्ड और फोर्थ राउंड में हम नूबड़ापंती शुरू कर देंगे। मतलब ये पूरा प्रॉपर कस्टम नहीं है, ये हमारे दोस्त को ज़रा फील कराने के लिए कर रहे हैं। बाकी अपनी गन्ने वन्ने ले लिए हमने, डेजर्ट ईगल से वन टैप। बाकी मैं शुरू से ठीक ठाक खेलूँगा, मतलब ठीक ठाक ही खेलूँगा, जितना मैं खेलता हूँ उतना सही नहीं खेलूँगा शुरू से ही, बस मूवमेंट अपनी वही रखूँगा। गन चलाना मैं अपना, एम ने लॉक, मैं मेरा एम लॉक कर देता हूँ मैं हेड वगैरह पे, बट इसमें मैंने करूँगा। बाकी बंदा किधर है यार, बंदे ओपोनेंट्स बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, स्पेशली बरमूडा मैप में, और स्पेशली तब वो जब इतना अच्छा ना खेलते हूँ। लेकिन यार अपना ओपोनेंट तो अच्छा खेलता है, फिर भी छुपता बड़ा हाल है। एजन 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 किधर हो बाबूजी, मिल जाओ बस तुम, फिर हम तुम्हें हेडशॉट से भून देंगे। ओ एक मिनट, आ रहा है। 4 रन 4 रन 4 रन बर्बादी शुरू कर दो। चलो जाने देते हैं, अभी पीछे से चलते हैं। ओके, केयरफुली। बाकी इसी मैच जितवाना है हमने, पहले 3-4 राउंड हम जीतेंगे। अभी देखा मैंने, एम ने लॉक कर रहा था अपना, बार बार मतलब अपनी स्क्रीन हिला रहा था, टिल्ड कर रहा था बार बार, जान पूछ के कर रहे थे भाई हम उसे ज़रा फील कराने के लिए कि तुम सही खेल रहे हो। 7% HP पे बच्चे थे। बाकी गन्ने शन्ने वही रखते हैं अपनी, और बाबू भैया तुम मिल जाओ बस, तुम्हें मारते हैं वही। असल बाबू भैया नहीं, अपना जो ओपोनेंट है उसे मैं प्यार से बाबू भैया कहता हूँ। तो लेते हैं एक रिपेयर किट फटाफट से, रिपेयर किट भी आ गई। मूवमेंट करो, और उसके सामने नहीं करनी। मेरा ख्याल में ये यकीनन कैंपिंग कर रहा होगा, यकीनन कैंपिंग, क्योंकि इसका काम ही यार कैंपिंग है। एजन बड़ी कैंपिंग करता है, अपना ओपोनेंट एजन उसका नाम है। ओके एक रिपेयर किट लगा लेते हैं यार। चलो एजन बाबू जी मिल जाओ बस, तुम हत्ते चढ़ जाओ, फिर तुम्हें बताते हैं हम। मैंने कहा था जैसा कि मैंने कहा था कि कैंपिंग करेगा, कैंपिंग। एक भी गोली नहीं मारूंगा अभी, जैसे मैं अपना एम नहीं लॉक करना, ये देखो नीचे चलाऊंगा गोली। बाकी बंदा ठीक ठाक खेलता है यार, अच्छा खेलता है। लग जा, नहीं लगी, वैसे मारनी भी नहीं है यार हमने। रिपेयर किट लगाओ, एक उधर से चलते हैं, ज़रा ऊपर छलांग मारते हैं। यहाँ पे ज़रा ग्लिचेस चल रहे हैं यार आजकल ना, ग्लू वॉल लगाता हूँ लगती नहीं है, देखो देर से लगी है ना। बाकी आधी उसने हेल्थ खा ली है अपनी, वहीं पे है। एक मेडी लगाते छलांग मारते हैं, उसने स्कारलेट फेंका। ओके
ब्लू वॉल लग गई अपनी, मुझे लग एलिमिनेट जैसा के लग रहा था एलिमिनेट होगा बंदा। भाई जोन आना है फिर भी नहीं भागना, ये क्या लॉजिक हुई यार, एजन यार हद होती है। बाकी नाम तो रिवील कर दिया हमने एजन का, वॉइस रिवील तब होगी जब अपने अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे लाइक 2K। अभी तो 12 देख लो, 12 सब्सक्राइबर्स हैं अपने, 100 भी नहीं पहुँचे अभी, मतलब 50 भी हो जाए तो बड़ी बात है, 100 नहीं हुए। बाकी एजन बाबू आज तुम्हें मार के लेंगे हम, ये वाला राउंड में मैंने उसे हेडशॉट भूंद लिया यार, ढेर सारे हेडशॉट, जिसकी कोई हद हो यार। MP40 की मारूंगा उसे, दिल तो वही जा रहा है। एक तो यार मोबाइल में ना कुछ भी बटन दब जाते हैं गलती से ना, कभी स्कोप खुल जाता है, कभी पंच का बटन दब जाता है, पता नहीं क्या क्या होता रहता है मोबाइल में। बाकी जोन बाबू हमें पीछे पड़े हैं, बाबू जी मैं तो बाबू जी ही कह जा रहा हूँ सबको, कौन है बाबू जी असली, हीरा फेरी में है वो बाबू राव। मेरा चश्मा के दरा रे यार, मिमिक्री मैं नहीं कर सकता इतनी अच्छी, वो तो मितपैट भाई कर सकते हैं यार। ओके मेरा ख्याल में हमें थोड़ी देर इधर रुकना है, फिर सामने वाली बिल्डिंग पे ये उधर ब्रिज पे चढ़ जाएंगे ब्रिज। बंदा किधर है, बंदा चाहिए बस, बंदा मिल जाए मज़ा आ जाएगा। वैसे इतने भी हम क्या इतने जोशीले हो रहे हैं, सौरभ जोशीले हो रहे हैं, मतलब सौरभ जोशी नहीं जोशीले, जरा दिलेरी दिखा रहे हैं, है नहीं हम इतने प्रो मिस्टर टोटल गेमिंग मिस्टर अब्बू वगैरह इतने, ये तो बहुत प्रो। और नीचे बंदा दिखा, जैसा कि मैंने कहा था हेडशॉट भून दिए हेडशॉट ढेर सारे। बाकी अब आई बारी इसकी, अब इसे 3 राउंड जीतवाने हैं मैंने, मुस्तकिल 3 राउंड जीतवाने हैं। कोशिश मैं यही करूँगा कि मैं जीतूँ, बट मैं ज़्यादा कोशिश ये करूँगा कि वो जीते, मतलब तुम लोग भी कंफ्यूज हो रहे होगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और मुझे भी नहीं पता है कि मैं बोल क्या रहा हूँ और मैं हूँ कौन। जस्ट किडिंग। ओके पीक है, जो नई पीक बनी है, मुझे नई पिंक बिल्कुल नहीं पसंद आई गई, बिल्कुल भी नहीं पसंद आई, इससे बेहतर तो पुरानी ही थी, और इसमें मेरे मरने के चांसेस भी 100% नहीं है, क्योंकि इसमें नूब्स बहुत जल्दी छुप जाते हैं और मैं खुला घूमता हूँ, छुपने की जगह नहीं ना मिलती, यही तो बात है, नूब्स को तो कहीं भी मिल जाती है, ये अलमारी के अंदर छुप जाएंगे। कहाँ है बंदा यार, अब तुम थोड़ा हक लग गया सा है। ओके मेरा ख्याल में वो पीछे आ रहा है, मुझे लग रहा है ऐसे ऐसे जैसे वो पीछे आ रहा है। हाँ आ रहा है ये लग लिया स्पाइडर फेंका इसने, मेरा ख्याल में ये राउंड मुझे हार लेना चाहिए। ठीक है फिर हारने की टेक्निक ऑन, चलो चले हैं, गोल चक्कर काट लिया अपना, यहाँ पे मेडी लगाते हैं, ग्लू वॉल लगा के मेडी लग जा, ग्लू वॉल बाकी जोन आ रहा, ग्लू वॉल नहीं लगानी थी, फटाफट तोड़ो एलिमिनेट हो जाएगी यार, किस इज्जत क्या रही है हमारी, एलिमिनेट हो जाएंगे यार अपन तो। भाई उस लौंडे को ढूंढो, एजन तुम किधर हो, बहुत जल्दी छुपता है यार एजन, मेरे ख्याल में मेरी गेम ख़त्म होने वाली है एजन के हाथों ही, लग तो फीलिंग तो ऐसी आ रही है यार। बंदा मार भी दिया, वेल डन एजन, गुड खेलते हो तुम, बहुत अच्छा खेलते हो, गुड वेरी गुड। बाकी अपनी सस्ती सी गिनने छपड़ी वाली ले लेते हैं फटाफट छपा छप ले ली हैं अपनी गन्स। थॉमस इस बार ना शॉर्ट गन थॉमसन और डेजर्ट ईगल ले लेते हैं, वो सही रहेंगे, जरा अदला बदली करते रहते हैं ना गन्स की, एक ही गन्स लेंगे उसे पता है हम यही गन्स लेते हैं तो वो उस गन्स का तोड़ ढूंढ लेगा, यानी वो एंटीडोट ढूंढ लेगा जिससे वो उस गन्स को हरा के हमें मार देगा, इससे हम चेंज करते रहते हैं। बट हमें हमारी फेवरेट MP40 है, MP40 ब्रो तुसी बेस्ट हो, ग्रेट हो, तुम्हारा कोई नाम नहीं है, मेरा दिल करता है तुम्हारे पैर चूम लूँ, तुम्हारे कदम चूम लूँ, तुम जो भी चूम लूँ, भाई बहुत कम है, जितना भी तारीफ हो लो उतनी कम है। बाकी मुझे लग रहा है ये सामने वाली बिल्डिंग में है बंदा,
ओ भाई साहब मुझे लग रहा है हाँ हाँ वही है उसमें है उसी में है। देखा 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 ऊपर से हेडबोर्ड पड़ते हैं, ऊपर से हेडबोर्ड पड़ते हैं, नीचे को तरने ग्लू 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 ग्लू। मैं गया स्कारलेट लगाएगा, मुझे पता स्कारलेट लगाया, कन्फर्म हूँ स्कारलेट लगाएगा। देखा लगा भी दिया, मार दिया, खत्म खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय। दो राउंड जीत गए उसके यार, अपन तीन जीते हैं जैसे कि कहा था, उसे तीन जीतवाने हैं, अभी उसके दो जीते हैं। ये आखिरी राउंड है, बाकी आखिरी नहीं बल्कि उसका पूरा मैच देना है, मैं तो भूल गया, हाँ उसे पूरा मैच देना है, आई फॉरगेट अबाउट इट सॉरी गाइस। तो भाई उसे ये मैच तो पूरा जितवा के रहना है भाई, मेरा तो यही अभी तक है कि ओपोनेंट को मैच जितवाना है, बाकी मेरा कुछ पता नहीं है, मेरे तो फैसले भी बदलते रहते हैं बीच दौरान ही, प्रोग्रेस चल रही है फैसला बदल गया ये रहने दो कुछ और कर लेते हैं, ऐसा हाल है भाई मेरा। इस बारी नूबड़ो जे क्या करते हैं यार, क्या मज़ा है कैंपिंग में, हम भी लेते हैं और सामने इधर बिल्डिंग है, इधर देख लेते हैं। मैं पक्का कन्फर्म हूँ कि सामने आएगा एजन, मुझे लग रहा है। सामने वाली बिल्डिंग के जो बंदे नहीं आते वो उसमें है, उससे उसके पीछे जो है ना थोड़ी गली उसमें आएगा, मुझे यही लग रहा है। हाँ सही का सही का। यार मेरा गैस कितना हाला है यार, इसी बात पे एक लाइक तो बनता है गाइस, नज़र आ जाए एजन तेरे हेडशॉट पे हेडशॉट घूम लूँगा। गंदा डैमेज दिया इसने भी, मैंने भी, लोगों ने लगती है देखो ग्लिच, यही इसकी बात कर रहा था मैं, यही ग्लिच। बाकी नीचे कूद के देख लेते हैं। ओ भाई जोन आ रहा है और ऊपर से ग्लू वॉल नहीं लगती, ग्लिच इज इक्वल टू कुत्ता डैश का बच्चा। अब हम उसे कट मार के उसे चकमा दे देते हैं, उसे पता ही नहीं लगेगा हम कहाँ हैं, लेकिन राउंड तो उसका ही है ना, उसे जितवाना है पूरा मैच ही उसे जितवाना है। ओके यहाँ पे एक मेडी लगा लेते हैं चुपके से, यहाँ दरवाजे में वो उस साइड से आ रहा है, आई डोंट नो मुझे पता ही नहीं था यार इस साइड से आ रहा है, मैं वो ऊपर चढ़ गया उसी साइड से, मैं सेफ फील कर रहा था, मगर ये तो इधर है, चलो टपकाना तो पड़ेगा, बट हमें अपने आप को टपकाना पड़ेगा क्योंकि ये मैच उसे देना है, उसे फील कराना है कि वो नूबड़ा नहीं है, क्योंकि भाई हम दोनों मिले हुए हैं, लोग उसे बहुत ट्रोल करते हैं कि तुम नूब हो, स्पेशली हमारा एक दोस्त है उसका, उसको मैं भी रिवील नहीं करूँगा, वो शायद अगली से अगली वीडियो में आएगा साथ खेलेगा, पता नहीं, मैं कन्फर्म भी नहीं हूँ नाम भी, उसे मैं उसी वीडियो में रिवील करूँगा बाकी। और जो बैकग्राउंड में आपको नॉइजेस आवाज़ आ रही है ना उसे इग्नोर करो यार गाइस, मैं तुम्हें मार के रहूँगा, ले अबे यार मार दिया MP40 यार, कौन नहीं ले सकता, इसके पास भी MP40 एजन, तुम्हारे पास भी MP40 एजन। दोबारा बता दूँ हमारे ओपोनेंट का नाम है, बाकी बहुत गंदा मैच चल रहा है, बहुत गंदी तरह हार रहे हैं और मुझे पता है मैंने इस राउंड में भी बहुत गंदी तरह हारना है, ये कहीं सामने होगा मैं पीछे से हमला कर रहा हूँगा और इसने मुझे देख के मुझे मार देना, सिंपल इसका तो यही काम है यार। फटाफट अपनी गन्ने वन्ने सब कुछ ले लिया, हाँ पीछे से हमला करने चलते हैं। ओके सामने से मैं अपना एंगल बना लिया, लेकिन हम तो पीछे जाएंगे। ओके नेट काफ़ी अच्छा आ रहा है, लेकिन ग्लोबल ग्लिचेस ने अपनी जान नहीं छोड़नी। ओके रास्ता क्लियर है, आगे चलते हैं। वेट अ मिनट एजन, एक मिनट, नीचे वो दिख। हेलो खत्म, तो यार मैंने कहा था उसे जितवाना है, तो भाई वो तो जीत गया और आप लोगों को मज़ा आ गया होगा मेरी वीडियो से, और अगर मज़ा आया है तो भाई प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कुम इतनी ज़ोर से मारना कि यार ज़िंदगी भर याद रखो कि मैंने उस दिन इस बंदे के चैनल पे ज़ोर से लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोका था। तो भाई मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।